जाती है तो वहां पर बहुत सारी चींटियां दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर बताता है कि उसने चींटियों को टेंटेकल बनाते हुए भी देखा था, जिन्होंने मुझे और बिल को मारने की कोशिश भी की थी। कुछ देर बाद दोनों बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां पर क्लियर चींटियों के इतने बड़े झुंड को देख हैरान हो जाती है, जिनको बिल और कोर्टेज ने किसी तरह से रोक रखा था। उनका बिहेवियर देखकर लेन समझ जाता है कि चींटियां पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गई हैं। तभी चैंग भी यहां आ जाता है। वो लेन को बताता है कि अगर चींटियों के झुंड ने नदी को पार कर लिया तो उनको बैंटोंग में आने से रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद चैंग क्लियर को झुंड का एक सैंपल दिखाता है, जिसमें क्लियर अलग अलग स्पीसीज की चींटियों को एक साथ देखती है, जबकि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ नहीं रहती। अब लेन अपनी टीम लेकर नदी के पार जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो क्लियर और रेस्क्यू टीम के साथ नदी के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ से रेस्क्यू टीम लोगों को बचाकर दूसरी तरफ ले जाने लगती है। क्लियर को वहाँ पर एक अजीब सा पत्थर नजर आता है, इसीलिए वो पास जाकर उसमें बने छेद से अंदर झांकने लगती है। तभी वहाँ पर चींटियों का झुंड आ जाता है, लेकिन लेन ठीक समय पर आकर उसे बचा लेता है। वो क्लियर को वहाँ से हटाकर झुंड पर अटैक करने लगता है। इसी बीच क्लियर को यिंग नाम की एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसको चींटियों के झुंड ने घेरना शुरू कर दिया था। क्लियर उन पर अटैक नहीं करना चाहती थी, लेकिन यिंग को बचाने के लिए उन पर अटैक करती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी टेंटिकल के रूप में चींटियों का झुंड उन पर अटैक कर देता है, लेकिन अब लेन भी उनको बचाने वहाँ आ जाता है। वो क्लेयर और यिंग को लेकर एक नाव की मदद से वहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बिल को दिखाया जाता है, जो डेव और लेन के मना करने के बावजूद भी फैक्ट्री की तरफ अकेले निकल जाता है। तब डेव कोर्टेज को बिल के पीछे भेजती है, क्योंकि उसका वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं था। कुछ देर बाद कोर्टेज बिल को खोज लेता है और दोनों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चींटियों का झुंड बहुत चालाकी के साथ इनका पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही वो इन पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद बिल अपने वेपन से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कोर्टेज को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चींटियां उसके सूट के अंदर चली गई थी, जो कुछ ही सेकंड में कोर्टेज को वहीं पर मार देती हैं। ये देख बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड की मौत का बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी तरफ बेस कैंप में डेव के ऊपर भी चींटियां अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डेव किसी तरह वहां से निकल जाती है। तभी मिलिट्री टीम भी वहां आ जाती है, जो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर लेन और क्लियर भी नदी के बीच में फंस गए थे, जहां पर चींटियों का झुंड टेंटिकल के रूप में उनकी तरफ आता है। इससे लेन समझ जाता है कि वो उनसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए लेन उनके साथ कुछ नहीं करता। इसके बाद चींटियों का झुंड उनको किनारे पर लाता है और ये लोग उनको फॉलो करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर इनको चींटियों का झुंड एक कंप्यूटर जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जो केमिकल सिग्नल के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी यूज कर रहे होते हैं। इस नजारे को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चींटियां इनको एक दूसरी गुफा में ले जाती हैं, जहां पर वो इनको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हैं। लेकिन लेन और क्लियर को उस स्ट्रक्चर का मतलब समझ में नहीं आता। तभी यिंग बताती है कि ये इस आइलैंड का स्ट्रक्चर है। इससे क्लियर और लेन समझ जाती है कि इनको ये आइलैंड चाहिए। इसके बाद चींटियां यिंग को हॉस्टेज बना लेती हैं और लेन और क्लियर को उस गुफा से बाहर निकाल देती हैं, जो असल में उनके लिए एक मैसेज होता है। लेन भी समझ जाता है कि ये यिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लेयर को अभी भी लग रहा था कि ये चींटियों का इवोल्यूशन है। इस पर लेन उसे समझाता है कि इवोल्यूशन में क्रूरता और छल शामिल नहीं होता, उनके यहाँ आने का मकसद कुछ और है। यहाँ से बाहर जाने पर लेन को कोर्टेस के बारे में पता चलता है, इससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बेस कैंप में जाते हैं। दोनों को जिंदा देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर मिनिस्टर जिंग वहाँ पर जो हुआ उसके बारे में पूछता है। तब दोनों सभी को बताते हैं कि चींटियों का वो झुंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो किसी भी चीज को सोच सकता है और विजुअलाइज कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो हमसे बात करना चाहती हैं। इसके बाद जेंग ये सुनता है कि उनको ये आइलैंड चाहिए, तब वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे आइलैंड को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। तभी विल भी वहां आ जाता है और कहता है कि हमें उनको बम से उड़ा देना चाहिए, लेकिन लेन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यिंग अभी भी उनकी कैद में है। तब मिनिस्टर जिंग कहता है कि अगर वो हमारे साथ फाइट करना बंद कर देते हैं तो हम आइलैंड का रिवर वाला एरिया उनको दे सकते हैं। इधर बिल को फिर से अजीब से दिखने वाली क्रिएचर का विजन आने लगता है। वो लेन को समझाता है कि उन्होंने हर समय हमें जाल में फंसाकर हमारे ऊपर अटैक किया, इसीलिए हमें इस मौके का इस्तेमाल करके उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे और भी इंटेलिजेंट होते जा रही हैं। लेन को लगता है कि कोर्टेस की मौत से भी ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। इधर डेव और क्लेयर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज है जो उन सभी स्पीसीज को एक साथ जोड़
छोड़ रही है और कंट्रोल कर रही है। काफी कोशिश के बाद डेव उस केमिकल फॉर्मूले को खोज लेती है। अगले दिन लेन और क्लेयर गुफा में जाने के लिए तैयार होते हैं। तब बिल भी उनके साथ चलने के लिए बोलता है। लेन पहले तो उसे मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। फिर तीनों एक बोट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ का नजारा देख बिल हैरान होता है। इसके बाद तीनों गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर चींटियों ने यिंग को होस्टेज बनाकर रखा था। वो चींटियां फिगर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। लेन और क्लेयर भी उनकी बात समझने लगते हैं और जमीन पर फिगर बनाकर उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बिल के ब्रेन में गई हुई चींटी उसे काटने लगती है। इससे बिल बहुत परेशान होने लगता है क्योंकि बिल अब उसके जख्मों को सहन नहीं कर पा रहा था। वो लेन और क्लेयर को यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन लेन उसे मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल अपने साथ यहाँ पर टाइम बम लाया हुआ था जिसके ब्लास्ट से वो इन चींटियों को खत्म कर देना चाहता था। लेन और बिल उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन बिल अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसमें 3 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। इन सभी बातों से चींटियों का झुंड अग्रेसिव होने लगता है, इसीलिए वो लेन और क्लेयर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बिल के ऊपर बुरी तरह से अटैक करने लगते हैं। अब वो चींटियां खुद को एक मॉन्स्टर चींटी में बदल लेती हैं। इसे देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। तब क्लेयर अपने पास से फेरोमोन निकालती है जिसको उसने सभी स्पीसीज की चींटियों के फेरोमोन को मिलाकर बनाया था। क्लेयर जैसे ही वो केमिकल उसके ऊपर फेंकती है सभी स्पीसीज की चींटियां अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि उस केमिकल में उनकी अलग अलग स्मेल शामिल थी। इस मौके का फायदा उठाकर लेन और क्लेयर यिंग को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं लेकिन चींटियों ने बिल को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेन और यिंग को बाहर छुपाकर बिल को बचाने चला जाता है। अब बिल भी होश में आ जाता है लेकिन अब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। वो लेन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब चींटियां फिर से खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लेती हैं लेकिन अब बॉम्ब का टाइमर भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर ब्लास्ट होता है और बिल के साथ वो चींटियां भी खत्म हो जाती हैं। क्लेयर और लेन जब देखते हैं तो वहाँ पर उनको एक एलियन स्पिरिट नजर आता है जो अपनी पावर से चींटियों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब सभी चींटियां खत्म हो गई थी इसीलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। अब मिनिस्टर बेस कैंप में आता है और मिलिट्री से इस बारे में लोगों को बताने से मना कर देता है क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर एलियन आए थे तब लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ देर बाद लोग फिर से इस आइलैंड पर वापस आने लगते हैं। इसे देख कमांडर चैंग के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ लीन और क्लेयर को दिखाया जाता है जिन्होंने यिंग को अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि यिंग का उस आइलैंड पर कोई नहीं है, लेकिन लेन को बिल और कोर्टेस की याद आ रही थी जिस वजह से वो दुखी हो जाता है। इसके बाद आखिर में दिखाया जाता है कि उस गुफा के अंदर चींटियां भी जिंदा है जो फिर से वहां पर मैट्रिक्स बनाने में लगी हुई है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।